तो बताओ बाबू आज जो है क्या पढ़ोगे? तुम क्या पढ़ोगे? ठीक है, चलो तो हम तुम लोग से कुछ सवाल पूछेंगे, तुम लोग जवाब देगा, ठीक है? पहले जो है, पहले हर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज तुम बताओ इस जानवर में से, इस एनिमल्स में से वाइल्ड एनिमल्स जो है किंग एनिमल्स कौन सा है, मतलब जंगलों की राजा किसे कहते हैं? शेर। कहाँ है? वाह, ये शेर है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी मत उठाओ, अभी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लायन। आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में से ये जंगल की राजा होता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लायन। और अभी जो है हर्ष लाएगा, लायन का फर्स्ट लेटर क्या है? वाह, ये देखिए हर्ष ने एल फर्स्ट लेटर लायन का ला दिया है, इसलिए हर्ष को फर्स्ट पॉइंट मिलता है, ठीक है? तुमको फर्स्ट पॉइंट मिला। अब सेकंड, अब आ गया बारी दिलजीत का। तो दिलजीत तुम बताएगा कि इनमें से राइनासुर कौन सा है? राइनासुर ये है। चलो, इसका नाम है राइनासुर। आप लोग देख सकते हैं कि ये है राइनासुर। आप बताइए, बताओ तुम कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में राइनासुर ही बोलते हैं। हिंदी में राइनासुर गेंडा बोलते हैं ना? गेंडा बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है? ये कहाँ रहता है? ये जंगल, जंगल में। ये जंगली जानवर हो गया। चलो ठीक है, इसको राइनासुर बोलते हैं। इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट लेटर आर होता है। आर, तो क्या है? वाह, दिलजीत भी ने आर ला दिया है। चलो दो टो हो गया, तुम दोनों का एक एक पॉइंट मिल चुका है। अब हर्ष तुम्हारी बारी है। तुम जो है अब इसमें से रेगिस्तानी जानवर को लाएगा, जैसे होता है रेगिस्तानी जानवर कौन है? ऊंट। ऊंट ला। वाह, हर्ष ने ऊंट ला दिया, ठीक है? अब जो है इसको ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल। कैमल, कैमल का फर्स्ट लेटर लो, कहाँ है? कैमल का फर्स्ट लेटर, कैमल का फर्स्ट लेटर, कैमल सी ए एम एल होता है ना, कैमल। कैमल का फर्स्ट लेटर क्या है? सी। चलो, इस बार तुम फंस चुका, इसलिए तुम्हारा पॉइंट अभी नहीं मिलेगा। एलगा सही सो, देखिए ये होता है कैमल का मीनिंग सी, मतलब सी से स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग लेकर सी हो गया। चलो, इसका भी हर्ष का इस बार पॉइंट नहीं मिलेगा। अब दिलजीत का हमारी है। दिलजीत, इसमें से तुम बताओ कि इसमें लिपार्ड कौन सा है? लिपार्ड इसे कहते हैं। वाह, तुम देख सकते हो इसे लिपार्ड कहा जाता है। ये लिपार्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? एल। एल निकालो, एल कहाँ है? वाह, देखिए यहाँ दिलजीत ने सेकंड पॉइंट में भी ले चुका है, क्योंकि ये जानवर भी निकाल दिया, उसके बाद इसका फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर भी दे दिया, ठीक है? चलो, अब दिलजीत की बारी है, कि हर्ष की बारी। हर्ष, अब तुम बताओ, सही सुनो, हर्ष तुम इसमें से बताओ एलिफेंट कौन है? चलो, इसको हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी। इंग्लिश में? एलिफेंट। आप लोग देख सकते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं हाथी, इंग्लिश में एलिफेंट। इसका फर्स्ट लेटर ई से स्टार्ट होता है। अभी हर्ष ई चुन के निकाल के दिखाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ई निकाल दिया है। चलो, हर्ष को थर्ड पॉइंट मिल चुका है। अब दिलजीत तुम्हारी बारी है, इसमें से बताओ कि कौ कौन सी जानवर है? इसे कहते हैं कौ। इसे कहते हैं कौ। आप लोग देख सकते हैं किसे कहते हैं कौ। कौ हिंदी में क्या बोलते हैं? गाय बोलते हैं, ठीक है? तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? सी। सी, चलो निकाल दिखाओ कौन सा है सी लेटर। तेजी से तेजी से तेजी से चुन के दिखाओ, चुन के दिखाओ तेजी से, चुन के दिखाओ तेजी से। वाह, चलो सी निकाल के दे दिया, ये है। चलो ठीक है, तुम्हारा पॉइंट भी मिल गया। अब हर्ष तुम्हारा पारी है, जेबरा देखाओ कहाँ है जेबरा। चलो, ये है जेबरा। अब जेबरा का फर्स्ट लेटर ये है। चलो, जेड बोल दिया, जेड बोल भी दिया और निकाल के भी दे दिया, ठीक है? तो चलो, ये है, इसका फिफ्थ पॉइंट भी मिल गया है हर्ष का। अब तुम बताएगा इनमें से डियर कहाँ है? डियर,
डियर कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिरण। इंग्लिश में डियर, हिंदी में हिरण। डियर का फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्टार्टिंग लेटर? डी। चलो डी निकालो। वाह, डी भी निकाल दिया। चलो और अभी इस बार हर्ष की पारी है। हर्ष बताओ इसमें से टाइगर कहाँ है? वाह, टाइगर निकाल दिया। आप लोग देख सकते हैं कि ये टाइगर है और टाइगर का फर्स्ट लेटर क्या होता है? टी। टी, चलो टी निकालो। वाह, निकाल दिया। चलो तुम लोग को कैसा लगा, दोनों सीख गया? ये गोट है, इसमें से सी जी तुम हरा दिया है, इसीलिए इसका नहीं पूछे, ठीक है? अच्छा तुम बता दो ये क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बकरी कहते हैं। बकरी कहते हैं। कहाँ रहता है? क्या रहता है? जंगल में। जंगल में रहता है कि सबके घर में रहता है? घर में भी रहता है। अच्छा ये बताओ ये डोमेस्टिक है या वाइल्ड है? डोमेस्टिक है। चलो ठीक है, तुम बताओ रे ये वाइल्ड एनिमल्स है या डोमेस्टिक एनिमल्स है? वाइल्ड एनिमल्स। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाइल्ड एनिमल्स है। अब बताओ डियर ये क्या है? गोट। गोट को पूछ चुके हैं ना। अब ये कैमल, कैमल बताओ ये वाइल्ड एनिमल्स है या डोमेस्टिक एनिमल्स है? वाइल्ड एनिमल्स है, ठीक है, ये रेगिस्तान में रहता है। चलो अब हो गया, तुम लोग को कैसा लगा, सीख गया? ठीक है, सीख गया? बोलो बोलो, सब्सक्राइब कर देने के लिए बोलो, वहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाय।